बंगाल के बाद सबसे अधिक धूमधाम से झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है और यहां पर पंडाल बनाने को लेकर के कंपटीशन भी होता है। दरअसल कई पंडाल कई संदेश देते हैं, पंडाल के माध्यम से प्रकृति संरक्षण से लेकर के तमाम कई जो है वो मैसेज होते हैं लोगों को समझने के लिए। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं नामकुम में और यहाँ पर जय माता दी दुर्गा पूजा क्लब समिति है जो लालू यादव के परिवार के साथ ही कई और ऐसे लोग मदद लालू यादव ने किया, गरीबों को आवाज दी, गरीबों को आगे बढ़ाया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नामकुम स्थित जय माता दी क्लब दुर्गा पूजा समिति के द्वारा यहाँ पर लालू यादव के परिवार के कई सदस्यों की मूर्ति बनाई गई है। साथ ही दो ऐसे व्यक्ति हैं जो मुन्नी देवी जो धोबी का यानी कि कपड़ा धोने का काम करती थी उन्हें MLC बनाया गया और भगवती देवी जो पत्थर तोड़ने का काम करती थी तो अब उन्हें भी सांसद बनाने का काम किया गया। तो ये लालू यादव के राजनीतिक सफ़र को भी दिखाता है, उनके फैसले को दिखाता है। साथ ही रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी है, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और राजश्री यादव जो तेजस्वी यादव की पत्नी है उनका भी मूर्ति बनाया गया है। सभी एक साथ एक जगह दिख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लालू यादव के राजनीतिक जीवन के साथ साथ जो उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है वो दिखाने की कोशिश हुई है, किस तरह से वो आगे बढ़ाए हैं गरीबों को। इस पूजा पंडाल समिति के जो सदस्य हैं विनोद सिंह जी, उनसे ही जानते हैं कि आखिर इस मूर्ति के पीछे बनाने का क्या वजह है। विनोद जी, क्या वजह है और क्या संदेश देने की कोशिश हुई है जो आपने लालू यादव के परिवार के लोगों का यहाँ पर मूर्ति बनाया, मुन्नी देवी, भगवती देवी, इन तमाम लोगों का जो प्रतिमा बनाया है, सो क्यों? हम लोगों का सीधा मकसद है कि ये मतलब लालू जी ने मतलब नीचे तबका को एक हिम्मत दिया और जो कभी वो सपना में सोची नहीं थी, मुन्नी देवी जो लालू जी की कपड़ा धोते थे और पूरी पटना में कपड़ा धोती, उनको इतने बड़े बहुत MLC बनाया, तो और भगवती देवी को जो पत्थर तोड़ती उनको सांसद बनाया। तो एक नीचे तबकों को इतना ऊपर बढ़ाने का जो काम लालू जी किए, तो एक मन में हमारा भी एक मतलब ये है, उनके प्रति बहुत इज्जत है और सम्मान है कि आज के कलयुग के वो भगवान से कम नहीं है। तो हम लोगों ने उनकी प्रतिमा लगाई है। दुर्गा पूजा में लालू यादव के परिवार का फोटो या फिर उनके काम को दिखाने का मकसद क्या है? दिखाने का मकसद क्या है, ये मैंने पिछले बार भी लगाया था, पिछले बार लालू जी और राबड़ी जी का हमने लगाया था और मन में एक श्रद्धा है। तो मोदी जी का लोग हर जगह लगाते हैं, आपने योगी जी का भी लगाते देखा होगा, तो उनसे तो कम ये नहीं है। इनको तो षड्यंत्र के तहत फंसाया गया क्योंकि इसी ने कभी भगवान कृष्ण के टाइप कभी झुके नहीं किसी के सामने, आज तो उसी टाइप ये गरीबों का कल्याण करते हैं। तो इनके प्रति हमारा बहुत इज्जत और सम्मान है जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। किस रूप में देखते हैं भगवती देवी को, मुन्नी देवी को, लालू यादव ने जो आगे बढ़ाया इसको किस रूप में? भगवती देवी और मुन्नी रजक को जैसे लालू जी आगे बढ़ाएं, तो जैसे दबे कुचले लोगों को जैसे आगे बढ़ाएं लालू जी हमारे, तो उसके लिए हम लोग उन्हें मतलब भगवान का दर्जा देते हैं कि उन्होंने आगे बढ़ाया ऐसे। लालू यादव से क्या प्रेरणा मिलती है आप लोगों को, क्या है ऐसा चीज जो आपको बहुत प्रभावित करता है? बहुत प्रभावित करने का मेन कारण है कि ये जो नीचे तक को जो सपोर्ट किए कि एक लेवल में सबको मान सम्मान एक ऐसा मिले और वो भी तुम भी सर उठा के जी सको, ये बहुत हमको प्रेरणा उनसे मिलती है कि एक समान सबको इज्जत मिले, कोई भी हो, सब भगवान ने सबको धरती में भेजा है तो सबको सम्मान एक मिलना चाहिए। वो तो उनके लिए ये बहुत नीचे तक को ऊपर उठाने का प्रयास किया और करते रहते हैं, इसीलिए हम लोग को बहुत सम्मान है। कौन कौन लोग हैं मूर्ति के माध्यम से लालू यादव के परिवार के यहाँ पर, कौन कौन लोग? ये आप रोहिणी आचार्य जो उनकी सिंगापुर में बेटी रहती है वो हैं, तेज प्रताप भैया हैं और लालू जी हैं, राजमाता राबड़ी देवी है, तेजस्वी यादव जी है, राजश्री यादव जी हैं और ये हमारे जो दो रतन हमारी मतलब बहनें माताएं जो हैं, ये भगवती देवी जो पत्थर तोड़ते हुए जो दृश्य है जिसे
रोड से उठा के आदमी ने संसद भवन दिल्ली पहुंचाया लालू जी ने, और एक कपड़ा धोने वाली मुन्नी देवी को पटना में जो धोती थी वो कभी सपना में नहीं सोची थी, उसको इन लोगों ने मतलब विधान परिषद भेजा, MLC बनाया। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जाता है और बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम लालू जी ने ये सोचते हैं, बस एक मान सम्मान है उनके प्रति हम लोग का जो हम करते हैं। किस तरह से यहाँ पर पूजा का आयोजन हो रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूजा नामकुम से पूरा बाहर से रांची से इधर उधर अच्छा पूजा होता है। जब से विनोद बाबू यहाँ पूजा संभाले में हम लोग को जितना दिन से पूजा का तो बहुत अच्छा लगता है, व्यवहार भी अच्छा है, हम लोग खुश भी पूजा में खुश है सब। तो हर पंडाल अलग संदेश देने का कोशिश करता है, जो आयोजक होते हैं वो किसी न किसी थीम पर पंडाल का आयोजन करते हैं, लेकिन सबसे अलग जो आपको रांची में देखने के लिए मिला, वैसे बिहार में विशेष तौर पर लालू यादव से जुड़े कई कलाकृतियां जो है, कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में आपको ये नामकुम स्टेशन के समीप जो पूजा पंडाल बना है वहाँ पर आपको ये तस्वीरें, ये मूर्ति जो है देखने के लिए मिलेगी, और ऊपर भी लिखा हुआ है कि राजनीतिक झलकियाँ। तो राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए लालू यादव ने किस तरह से गरीबों को आवाज़ दिलाया, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें आगे तक पहुंचाया, जो उच्च सदन कहा जाता है वहां तक, एक गरीब महिला को, पत्थर तोड़ने वाली महिला को, कपड़ा धोने वाली महिला को किस तरह से पहुंचाया गया, इसका एक वानगी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम और भी पंडाल चलकर और भी क्या मैसेज है प्रकृति संरक्षण से लेकर के आधुनिक जीवन में जो प्रभावित कर रहा है, कंप्यूटर आधारित गेम्स, मोबाइल आधारित जो गेम्स है उससे किस तरह से छुटकारा लोगों को मिले, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, हर एक पंडाल से का नज़ारा दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आएंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।